आज हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजकों का व्यकलन कैसे किया जाता है। 4x plus 7y minus 13z क्या है और हम इसमें से 8x minus 10z को कैसे घटाएंगे। जैसा कि हमने योग में किया था, व्यकलन में भी हम केवल समान पदों को ही घटाएंगे। चूंकि हम केवल समान पदों को ही घटाने जा रहे हैं, चलिए सभी पदों को उनके समान पदों के नीचे लिखते हैं ताकि हम उन्हें आसानी से घटा सकें। तो 8x को 4x के नीचे लिखेंगे और माइनस 10x को 13z के नीचे लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्णांक को घटाना मतलब पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को जोड़ना होता है। जैसे 4 माइनस 8 का मतलब होता है 4 प्लस 8 का योज्य प्रतिलोम यानी कि माइनस 8, तो हम लेंगे 4 प्लस माइनस 8। इस तरह व्यकलन के दौरान दूसरी अभिव्यक्ति के सभी गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट्स अपने योज्य प्रतिलोम से बदल जाते हैं और हम उन्हें जोड़ देते हैं। यदि हम केवल पूर्णांक का चिन्ह बदल देते हैं, ये योज्य प्रतिलोम बन जाता है। इसलिए दूसरी अभिव्यक्ति से व्यकलन के दौरान हम इसके हरेक कोएफिशिएंट का चिन्ह बदल देते हैं। पद 4x और 8x हैं, 4 प्लस माइनस 8, हमें इन्हें जोड़ना है। हम बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू वाली संख्या के चिन्ह को लगाएंगे, इसलिए यहां माइनस यानी ऋण का चिन्ह होगा। 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 और हमें कोएफिशिएंट 4 मिलता है और पद के रूप में माइनस 4x मिलता है। इसके बाद 7y है। दूसरे एक्सप्रेशन में इसका कोई समान पद नहीं है, इसलिए ये इसी तरह रहेगा और इस तरह हमें 7y मिलता है। माइनस 13z प्लस 10z साइन माइनस का रहेगा क्योंकि 13 इज ग्रेटर देन 10। 13 माइनस 10 इक्वल टू 3। इस तरह हमें एक और पद माइनस 3z मिलता है और हमारा उत्तर है माइनस 4x प्लस 7y माइनस 3z। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं कि बीजीय व्यंजकों का व्यकलन किस तरह किया जाता है। व्यकलन के दौरान दूसरे एक्सप्रेशन का हरेक कोएफिशिएंट या गुणांक अपने योज्य प्रतिलोम के साथ बदल जाता है, इसलिए गुणांक के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। फिर हम केवल समान पदों को जोड़ देते हैं, जैसे माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3y प्लस 10z अंडर ब्रैकेट 5x माइनस 7y माइनस 6z। हम सभी समान पदों को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। अब माइनस 4 इंटू 2 और 5x के कोई समान पद नहीं है, माइनस 7y को 3y के नीचे लिखेंगे, माइनस 6z को 10z के नीचे लिखेंगे। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन के गुणांक के चिन्हों को बदलेंगे। 5x के कोई समान पद नहीं है, लेकिन फिर भी इसका चिन्ह बदलेगा क्योंकि 5 का योज्य प्रतिलोम माइनस 5 है। अब हम इन्हें जोड़ेंगे। माइनस 4x स्क्वायर का कोई समान पद नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा, माइनस 5x भी नहीं बदलेगा। फिर प्लस 3y प्लस 7y, 3 प्लस 7 इक्वल टू 10, इसलिए 10y। इसके बाद 10z प्लस 6z, 10 प्लस 6 इक्वल टू 16, तो 10z प्लस 6z इक्वल टू 16z। इस तरह उत्तर आएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10y प्लस 16z। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय बच्चों।